श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पावन प्रकाश गुरपुरब की आप संगत को समूह नानक नाम लेवा संसार को लख लख बधाई हो। श्री गुरु नानक देव महाराज जी की आमद से संसार में जो अंधेरा था, अविद्या का, अज्ञानता का, ये सारा छट गया। गुरु जी ने हमारे मनुष्य जाति में जो जात पात का, ऊंच नीच का जो कोहड़ था, उसको ख़त्म कर दिया। सतगुर नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंद जग चानण होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर भुलोवा। सतगुरु जी ने चार वर्णों के लोगों को एक वर्ण में सिख के रूप में प्रगट किया, और सिख में ही जब वो विद्या पढ़ेगा और पढ़ाएगा तो ब्राह्मण होगा, जब वो अपने धर्म के और अपने देश की राखी के लिए शस्त्र उठाएगा तो क्षत्रिय होगा, जब वो कीर्त करेगा, खेतीबाड़ी करेगा, दुकानदारी करेगा, नौकरी करेगा तो वैश्य होगा, जब वो सब लोगों की सेवा करेगा तो शूद्र होगा। सो गुरु जी के प्रथाएँ, जो भाई गुरुदास जी की बाणी है कि चार वर्ण एक वर्ण कराया, तो जगत गुरु गुरु नानक साहब जी का ये प्रकाश गुरपुर मनाने के लिए गुरुद्वारा बंगला साहब में आज लाखों लोग आएंगे। दीपमाला है, सबके लिए लंगर की व्यवस्था है, सबके लिए उनके जूते रखने के लिए, उनके बड़े आराम से मत्था टेकने की व्यवस्था है, बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगा रखी है जो सिख धर्म से रिलेटेड है, सिख साहित्य है, चित्र प्रदर्शनी है। सो मैं सबको अब बेनती करूँगा कि जैसे गुरुद्वारा बंगला साहब में रात भी दीपमाला हुई, आज भी होएगी, आप भी अपने घरों में दीपमाला करो और अपने ओस पड़ोस में सबके साथ गुरु महाराज की जो प्रकाश गुरपुरब है, जो महाराज के अवतार का जो ये पावन पुरब है, आप इसकी खुशी सबके साथ बांटें, सबके साथ मठियाई दें और सबको बधाई दें, ताकि अरदास करें कि परमात्मा पूरे संसार में सुख दे और हर मनुष्य खुश रहे, सबके परिवार में सुख समृद्धि आए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।